आपको समझ नहीं आ रहा कि ऑटोमेटिक ओवर वीएम्स को कैसे एडजस्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिस इज योर हार्टब्रोकन बाइकर ऋतिक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हो, ये है मेरी कार मारुति डिजायर। जो ये बटन है गाइस, ये हमारे मिरर्स को फोल्ड और अनफोल्ड करने के लिए होता है। ये वाला बटन देखो, इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएंगे, इसको मैं खोलूंगा तो ये खुल जाएंगे। और गाइस ये वाला बटन है सारे डोर्स को अनलॉक और लॉक करने का। ये देखो मैं लॉक बटन दबाऊंगा, ये लॉक हो गया। गेट खुला हुआ है इसलिए लॉक नहीं हो रहा। ये देखो ये क्या, मैंने गेट लॉक हो गया, इसको करूंगा मैं अनलॉक हो जाएगा। चारों गेट इसी से काम करते हैं। और जब हम गेट लॉक में करते हैं तो आपने देख लिया ये कैसा होता है। और गाइस जो ये वाला बटन होता है, ये आपके विंडोज़ को लॉक कर देगा। ये चाइल्ड सेफ्टी के लिए होता है कि ड्राइवर सीट की विंडो के अलावा आप इसको आप प्रेस कर दोगे तो कोई भी विंडो काम नहीं करेगी। जैसे कि मैंने अभी ये कर रखा है, तो मैं उस साइड वाली विंडो ओपन कर रहा हूँ तो नहीं हो रही। इसको अगर मैं ओपन कर दूँगा, अनलॉक कर दूँगा, तो ये देखो ड्राइवर साइड विंडोज़ ओपन होने लग जाएंगी। पर अगर मैं इसको प्रेस कर दूँगा तो कोई भी विंडो पीछे की ड्राइवर वाली छोड़ के कोई भी काम नहीं करेगी। आज की वीडियो में हम इस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो ये एरिया है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है वो बाकी बटन्स किस चीज़ के होते हैं। ये जो ऑप्शन है, ये चीज़ हमारे ORVMs को कंट्रोल करती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो ये चीज़ है इस पर आप देखो दो ऑप्शन हैं, एक R और एक L और एक बीच में। तो जब हम इसको R पे कर देंगे, मान लो जैसे अभी मैंने इसको R पे कर दिया, तो ये राइट साइड वाले विंडो को कंट्रोल करेगा। अब जैसे मैंने इसको आर पे कर किया, मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैंने इसको ऐसे किया, इधर प्रेस किया, तो हमारा चीज़ जाएगा। मैं ये देखो ये जा रहा, ठीक है। अगर मैं इसको अब लेफ़्ट में ऐसे करूँगा तो ये मेरे शीशे लेफ़्ट में आएगा। आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके शीशा लेफ़्ट में हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो इससे मेरा शीशा जाएगा नीचे, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो मेरा शीशा जाएगा ऊपर। एक पॉइंट के बाद जाके टक टक करने लगता है, मतलब ये इसकी मैक्सिमम है। ऐसे आप अपने शीशे को एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपने इस पॉइंट पे कर रखा है तो ये इधर उधर कहीं भी नहीं होगा, ये लॉक हो जाएगा। अब मुझे मान लो लेफ़्ट का एडजस्ट करना है, तो मैंने आर लेफ़्ट पे करके एल पे करके इसको मैं इधर उधर करूँगा तो मेरा लेफ़्ट वाले शीशे एडजस्ट होगा, सिंपल। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए तो उसके लिए आपको कैसे एडजस्ट करके रखना है। अभी मैंने दोनों बेकार दिए, आपको मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये मैंने आर पे किया, अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग इतना रखता हूँ। देखो अभी जैसे मैं अभी बिल्कुल अपने एंगल से बता रहा हूँ इतना, जिससे कि हमारी कार का जो थोड़ा सा पार्ट है आपको वो शीशे में दिखे और बाकी का बाहर का दिखे। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी कार कहाँ से निकल रही है। अगर मान लो कोई यहाँ पे साथ में कोई ट्रैफिक है या कोई चीज़ है, आपको बचाने के लिए पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा पीछे क्या ट्रैफिक है। ऐसे ही वो वाला शीशा करना है आपको। अपनी कार का थोड़ा सा इतना सा एरिया दिखना चाहिए, बाकी का सारा बाहर का दिखना चाहिए। उससे आपको अपनी कार का भी पता चल जाएगा, और जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उस पर भी हम ज़्यादातर इस वजह से देख पाते हैं। और एक छोटा सा मिरर आता है, इतना छोटा सा, वो कई लोग अपनी गाड़ी के शीशे पे लगा देते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। मेरे फ्रेंड्स ने उसको यूज़ किया, वो कहते हैं कि अच्छा है। मैंने कभी खुद पर्सनली यूज़ नहीं करा। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर कोई आपके ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स को अपने हाथों से खुद से मोड़ देता है, या फिर बाई चांस किसी व्हीकल से लग कर वो मुड़ जाते हैं, तो क्या होगा? उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका हार्टब्रोकन बाइकर ऋतिक। बहुत गर्मी है यार, बाय।